राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मेरे प्रेस के मीडिया के साथियों का इस्तकबाल करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं उनसे माजरत भी करना चाहता हूं कि हम सब लोग साथ में हैं, सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर मैं बर वक्त सब लोगों को याद नहीं कर सका, मेरी मजबूरी आप समझ सकते हैं। आज आप सब लोगों को याद करके बुलाने की ज़रूरत ऐसी है कि जो पिछले कई मरतबा से 3 हफ्तों से मैं एक बात देख रहा हूँ, पार्लियामेंट को इलेक्शन को लेकर के जो कुछ हमने बातचीत की, आज प्रचार खत्म होने हुआ तो पूरे मतदार संघ का 6 हलकों का जायज़ा क्या है, हर कोई अपने अपने तौर पर बोलता है, तो आवाम के सामने जो कुछ हमने बातें अभी तक रखी, आज की बात भी अब रखना भी है और जो कुछ मैंने तजिया किया वो आप आवाम के सामने रखना है ताकि आने वाले नतायज कुछ अच्छे हो सके। 6 मतदार संघ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इन 6 हलकों के अंदर मैंने पहले भी बोला था कि आवाम जो है 5 हलकों की आवाम, बेरोज़गारी, किसानों के मसाइल, 5-10 सालों में सुभाष भामरे ने कुछ काम नहीं किया, उनके खेतों के पानी का मसला है, प्याज के दाम का मसला है, इन सब मसाइल पर वो लोग वोट देना चाह रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर होता ये था कि हम लोग जो जलसा जुलूस करते थे, नारेबाजी करते थे, उसके असरात वहाँ पड़ते थे। इस मरतबा अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमने जब बात की कि बहुत ज़्यादा नारेबाजी और बहुत जलसा जुलूस नहीं करना है, कोई ऐसा इशू हमारी तरफ से उनको मिल नहीं सका जिसकी वजह से इलेक्शन को मजहबी रंग दिया जा सके और वो लोग परेशान हुए। मैंने जायज़ा लिया, हर जगह पर कई गांव में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दिया गया प्रचार करने के लिए, और वो मसाइल जो उनके अपने ज़मीनी मसाइल थे, गैस सिलेंडर की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ये सब मुद्दे वहाँ पर थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मजहबी बात आ जाती है तो सारे मुद्दे किनारे रह जाते, और मजहबी रंग हमारे यहीं से पैदा होता था ऐसा मुझे मेरा बोलना था, और अल्लाह का शुक्र हुआ कि जब जलसे जुलूस यहाँ नहीं हुए तो हमने कोई मौजू उनको दे ही नहीं पाया जिससे इलेक्शन मजहबी रंग पर चला जाए, वो लोग घबरा गए, परेशान हो गए। 4 मरतबा से पिछले पहले जो था कचरूबाव राउत, जब आदिवासी इलाका था, जब भी कचरूबाव राउत बीजेपी से चुन गया था, और अभी 3 मरतबा से बीजेपी चुन के आ रही है, 4 इलेक्शन हो गए, कभी बीजेपी को बड़े बड़े लीडरों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर इस वक्त ऐसा माहौल हुआ कि बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी बड़ी तोप अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को इस इलाके में लाना पड़ा, और इनकी तकरीरें इस बात की गवाह है कि वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को मजहबी रंग दिया जाए। जो लोग हम पहले हमारे लोग दे देते थे रंग, तो इस मरतबा हमारे लोगों ने नहीं दिया तो अब वो लोग हम मजहबी रंग देना चाहते, लेकिन उनकी नाकामियाँ आवाम के अंदर एक गमो गुस्सा है। अब हमारे उम्मीदवार के हालात क्या हैं, तो मैं बोलूं कि उम्मीदवार ने जो करना था, उद्धव ठाकरे का जलसा धुलिया में, तुम्हारे मल्लिकार्जुन खड़गे, नाना पटोले, बाला साहेब थोरात का जलसा सिंधखेड़ा में, शरद पवार का जलसा सटाना में, इमरान प्रतापगढ़ी का जलसा मालेगांव में, हर हलके को कवर करने के लिए बहसियत उम्मीदवार एक अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन जो नियोजन होता है, जो उम्मीदवार कर सकता है, जो पार्टी और लीडरान कर सकते हैं, वो अभी तक हो गया। प्रचार बंद होने के बाद इलेक्शन वर्करों के हाथ में चला जाता है, लीडर और उम्मीदवार के हाथ में नहीं रहता। कोई इलेक्शन कोई लीडर नहीं जीतता, कोई पार्टी नहीं जीतती, कोई उम्मीदवार नहीं जीतता, इलेक्शन का सारा दारोमदार वर्करों पर होता है। आज इलेक्शन खत्म हो गया, लीडरों का रोल खत्म हो गया, उम्मीदवार का रोल खत्म हो गया, आप कोई लीडर बयान नहीं दे सकता, कोई उम्मीदवार 4 लोगों के ज़्यादा लोगों को लेकर के घूम नहीं सकता। अब जो करना है फील्ड के ऊपर वर्करों को करना है, जिसकी पार्टी के जिस उम्मीदवार के वर्कर फील्ड पर ज़्यादा मेहनत करेंगे वो जीतेगा। अब यहाँ से वर्करों का इम्तिहान है। मैंने कुछ बातें लीडरों के ताल्लुक से बोली, कुछ लोगों ने बड़ी वाहवाही की, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के इम्तिहान का वक्त है। लीडरों के कान खींचना थे, मैंने खींचे, अगर कुछ बाकी रह गया है तो इलेक्शन के बाद फिर खींचेंगे, लेकिन अब यहाँ से वर्करों का काम है। मैं शहर के वर्करों से, जितने भी सियासी पार्टी के, हर सियासी पार्टी के वर्करों से मैं माजरत चाहता हूँ, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो कुछ हम लोगों की उम्मीदें थी कि इलेक्शन में कानून से भी
वर्करों को उम्मीदवार पैसा दे सकता है, मगर किन वर्करों को दे सकता है उसकी बंदिश है। हमारे यहाँ तो सभी खड़े हो जाते हैं, हमको भी चाहिए। तो लेकिन जो वर्करों को एक उम्मीद होती है इलेक्शन की, वो आज उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने इसके पहले भी कहा था कि थोड़े दिन रुक जाओ, 4 महीने के बाद में असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, तो ये जो खोटी हो रही है ना, ये खोटी हम पूरी कर लेंगे। तो मैं आप वर्करों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन हमारी शनाख्त का है, ये हमारी मिल्ली शनाख्त का है, हमारी कौमी शनाख्त का है, ये इलेक्शन हमारे मुल्क को बचाने का है, ये इलेक्शन देश को बेचने वालों से देश को छुड़ाने का है, ये इलेक्शन इस मुल्क को बांटने की साजिश करने वालों के खिलाफ इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ करके, आपका किसी से कोई तय नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप हर टीम, हर अदारे, हर क्लब जो इलेक्शनों में काम करते थे, वो लोग अभी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना इलेक्शन समझ करके लग जाए। जो उनके टीम की लिस्ट, नामों की लिस्ट दी जाती थी उम्मीदवारों को, वो लिस्ट बना के तैयार रखो, और इलेक्शन के बाद मुझे तो इंशाल्लाह आपकी ये खोटी जो है ना असेंबली में पूरी करवा लेंगे, क्योंकि उस वक्त आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस वक्त ऑप्शन रहेगा, 5-5, 6-6 खड़े रहेंगे, ये आया तो भी अपना, वो आया तो भी अपना, तब अपन बराबर इनसे खोटी निकलवा लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि घरों घर जाएं, जिनके यहाँ चिट्ठी नहीं पहुँची उनकी चिट्ठियाँ पहुँचाने की, जैसे आप लोग करते थे, आप लोग तजुर्बेकार लोग हैं। BLO भी मुझको, मैंने BLO के खिलाफ बोला, BLO मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि भैया हमको नहीं मिल पा रहा, हम तो दूसरे मोहल्ले में रहते, हम तो आ रहे, कोशिश कर रहे। तो उन तो हर वर्करों की जिम्मेदारी है कि आप लोग तजुर्बेकार लोग हैं, आप BLO का भी बहुत वो कर दिए, और आप तमाम लोगों को घरों घर जा करके जहाँ चिट्ठी नहीं पहुँची चिट्ठी पहुँचाइए, और बहुत सारी वोटें कट गई है, तो उन वोटर जिनके पास शनाख्ती कार्ड है, वोटें कट गई है, वो अपने अपने शनाख्ती कार्ड की जेरोक्स तैयार रखें। हमारी वोटें अगर साजिश के तहत काटी गई है, तो उनके खिलाफ हम लोग ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका उनको पहले हमारी वोट काटने से पहले उनको हमको नोटिस देना चाहिए थी, उन्होंने नोटिस दी नहीं है, तो उनकी वोटें हम दोबारा डलवाएंगे भी, और उनके खिलाफ अगर हमारा उम्मीदवार हारा तो क्या एक्शन हो सकता है उसका हम करेंगे। तो ये सारी बातें आवाम तक पहुँचानी थी, और इसके लिए मैंने आप सब लोगों को याद किया कि यहाँ से इलेक्शन अब लीडरों के हाथ से निकल गया, अब इलेक्शन हमारे हाथ में है।